लीजिए फ्रेंड्स, चलिए आज चलते हैं हम लोग ये नए तरीके का समोसा बनाने के लिए। और हम लोग इसको आज हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए, माधुरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस समोसे के लिए कोई झंझट तो है नहीं, थोड़ा सा हम लोग को प्रिपरेशन करनी है। देखिए, इसी बाउल से हमने एक बाउल मैदा ले रखा है, ये दो बाउल। आपको कम ज़्यादा जैसा बनाना हो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। आधा स्पून, ये टीस्पून हम लोग का अजवाइन है, इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल लेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे अगर जब हम लोग फीलिंग बनाएंगे उसमें भी नमक रहेगा। सब डालने के बाद हम लोग थोड़ा मोयन डाल लेंगे। देखिए, हम देसी घी डाल दे रहे हैं, आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हैं। अब देखिए, 2 चम्मच हमने डाल दिया है भर करके। अभी मिक्स करके देख लेंगे, अगर हम लोग का डो परफेक्ट हो जाएगा तो इतना ही काफ़ी, नहीं तो और डाल दें। देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच हमने और घी डाला। अब देखिए, इस तरह से हम लोग बांधेंगे तो इसे बंद हो जाना चाहिए। ये इतना परफेक्ट है हमारे समोसे के लिए। देखिए इस तरह। अब ये हम क्या करेंगे, नॉर्मल पानी ले लेंगे, जो हम लोग का पानी होता है, गर्म और ठंडा कुछ नहीं, नॉर्मल पानी है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप एक अच्छा डो तैयार करिएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। इस तरह से हम लोग तैयार कर लेंगे डो। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग अपना डो तैयार कर लेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं, तब तक हम लोग अपनी पीलिंग की तैयारी कर लें। अब हम लोग आलू को प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, 1/2 किलो आलू है। अगर आप मैदा कम ले रहे हैं तो कम भी आलू ले सकते हैं। हमने 1/2 किलो आलू लिया है, इसको बॉईल कर लिया है, बॉईल करके इसको छील लिया है। छील करके चल इसको मैश कर लें। इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे हम, हाथ से भी आप कर सकते हैं, अगर आपका मैशर हो तो मैशर से भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको एकदम महीन नहीं कर देंगे, इसको हल्का हल्का खाली हम लोग करेंगे। देखिए, इस तरह से हाथ से ही तोड़ लीजिएगा, इस तरह तोड़ करके। ये देखिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें महीन नहीं करना है, इसको हल्का सा इस तरह से कर लेंगे बस। देखिए, ये है 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च डाल लेंगे, ये पीसी हुई काली मिर्च है। हल्का सा हम लोग इसको रोस्ट वो कर लेते हैं, पीस लेते हैं। और ये रोस्ट जीरा पाउडर है, ये पीस के रखा हमने, ये भी 1/2 चम्मच डाल लेंगे। देखिए, थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा, 1/4 टीस्पून, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमें काला नमक भी डालना है, चाट मसाला भी डालनी है। ये देखिए, थोड़ा सा काला नमक डाल लेंगे, बहुत थोड़ा सा डालिएगा क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। देखिए, 1 टीस्पून हम चाट मसाला डाल लेंगे। चाट मसाले में बहुत सारे मसाले रहते हैं, इसलिए अपने में ही चाट मसाला बहुत है। और इसमें थोड़ा सा देखिए, हम मिंट लीव सुखा के रखते हैं, वो डाल लेंगे, हल्का सा क्रश करके डालिएगा। इस तरह से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। ये देखिए, इसको सबको हमको मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये देखिए डो तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग साइड में रख लेंगे और अपना समोसे की तैयारी कर लेंगे। फ्रेंड्स, अपना डो देख लेते हैं। डो देखिए एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार और अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा लेकर के और उतना ही पानी या थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेकर के एक स्लरी बना लेंगे। स्लरी बना करके हम इसका इस तरह से साइड में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अपने डो को हम 2 हिस्से में बांट लेंगे, एक हिस्से क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा इसका रोटी बनाना होता है, तो अगर आटा ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आप उतनी बड़ा चपाती नहीं रोटी नहीं बना पाएंगे। एक गोल सी रोटी हमें इसकी बना के तैयार करनी है, ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम खूब बड़ी सी इसकी रोटी बना के तैयार कर लेंगे, चपाती। ये देखिए, खूब अच्छी सी बना लेना है। देखिए, बहुत पतली भी नहीं है, बहुत मोटी भी नहीं। देखिए, इतनी मोटी रखनी है, इतना मोटा हम रख लेंगे। और एक पिज़्ज़ा कटर ले लेंगे, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ भी ले सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा काटते हैं उसी तरह से काटना है। ये देखिए, एक ऐसे हो गया और ये इस तरह से काट लेंगे। फिर ये हम इसको बीच से ले जा करके इस तरह से काट लेंगे, जिस तरह से हमें पिज़्ज़ा काटनी होता है उसी तरह से इसको काटते हैं। देखिए ऐसे, अभी अगर आपको और पतला चाहिए तो आप इसको और पतला कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से
आप इसको करते जाइए, ये पतला होता जाएगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम लोग इसको गोल काट लेंगे। उसके बाद अपनी फिलिंग ले लेंगे। फिलिंग को आप एक स्पून से या कोई भी चीज़ की मदद से, ये स्पून से इस तरह से लेकर के हमें बस एक रेशियो तैयार करना है कि इतना बड़ा रहना चाहिए। देखिए इतना बड़ा, इस तरह से हम सारे जो पीसेस हैं इन पर रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये जो ये हम लोग का पोर्शन है, इसको ऐसे दबाते हुए हम इसको आगे लेके जाएंगे इस तरह से, और अपनी स्लरी को ये ऐसे टिप पर लगा लेंगे। सब टिप पर भी आप लगा सकते हैं, या अगर आपका मन करे तो आप एक एक उठाते जाइए इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आप उठा लीजिए अपना ये पोर्शन को इस तरह से। यहाँ पर आप स्लरी लगा सकते हैं अलग से लेकर के, और इस तरह चिपका दीजिए। देख रहे हैं आप इस तरह से। अब आपको समोसे का नया तरीका और आ गया है, इस तरह से हम बना लेंगे। और एक प्लेट में सब रख लेंगे, इस तरह से तैयार करते जाएंगे, रखते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे समोसे हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से सारे तैयार कर लेंगे। अब तेल गरम करने के लिए हम लोगों ने रख दिया है, और इसकी हीट देख लेंगे। लो टू मीडियम पर ही रखिएगा। अब क्या करेंगे आप, ये जो स्लरी लिए हम लोग बनाए हैं, उसमें ये ऊपर और नीचे वाला पोर्शन इसे ऐसे डिप कर लेंगे, फिर हम लोग अपने तेल में इसको डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बार में आपके जितना कढ़ाई में आ सके उतना डाल लीजिएगा। और देखिए हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं, इस तरह से बुलबुले उठने चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई मत करिएगा और हिलाइएगा नहीं। ये अभी अपने आप ही थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होगा तो अपने आप ही हिलाने लायक हो जाएंगे। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसको टर्न करके। देखिए हल्का स्पून से ही करिएगा, ज़्यादा उलट पुलट मत करिएगा इसको। ये देखिए हल्का हल्का हो रहा है गोल्डन, आप इस तरह से इसको पलट लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है, ये चारों तरफ से इस तरह से गोल्डन हो जाना चाहिए। आप पलट पलट दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग को अच्छा सा इसका कलर गोल्डन सा आ जाएगा। इसे ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो फिर उसके अंदर का आलू भी जलने लग जाएगा। देखिए इस तरह से एकदम परफेक्ट हो गया है, सबको आप देख लीजिए। देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है। अब आप इसको आराम से निकाल करके एक प्लेट में रख लीजिए।